बड़ी खबर में सबसे पहले बात ईडी की उस कार्रवाई पर और उस सियासत पर जहां अंचल कार्यालय से जमीन की हेराफेरी का यह पूरा मामला लगातार सामने आ रहा है। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ। अंचल कार्यालय में कभी मूल दस्तावेज फट जाते हैं, रिकॉर्ड रूम में कभी चोरी हो जाती है और कहा जाता है कि साहब की मिलीभगत से ये खेला होता है। झारखंड में जमीन की हेराफेरी का मास्टरमाइंड अंचल कार्यालय है और साहब की शह पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये सब कुछ क्या है मांजरा, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। जमीन की हेराफेरी, ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। अंचल कार्यालय में फट जाता है मूल दस्तावेज, रिकॉर्ड रूम में करवा दी जाती है चोरी, साहब की मिलीभगत से होता है खेला। झारखंड में जमीन की हेराफेरी का मास्टरमाइंड अंचल कार्यालय है। साहब की शह पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कभी मूल दस्तावेज की कॉपी फाड़ दी जाती है तो कभी रिकॉर्ड रूम में चोरी करवा देते हैं। ईडी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। रांची के बड़गांई अंचल से जुड़े एक केस में साल 2023 में ईडी ने दस्तावेज मांगे तो अंचल कार्यालय से सर्टिफाइड कॉपी दी गई, लेकिन फरवरी 2024 में जब ईडी ने वही दस्तावेज मांगे तो अंचल कार्यालय से बताया गया कि दस्तावेज का पन्ना फट गया। कि एक जमीन से रिलेटेड कई केसेस होते हैं और उसका मेन कारण है यहाँ रेवेन्यू को रखना, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखना और नहीं रख, अच्छा से रख के उसमें हमेशा फाड़फूड़ करवाना और चोरी करवाना। जब भी रिकॉर्ड रूम में चोरी हुआ है, ये पहले भी चोरी कई बार हो चुका है। अभी जो है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है हेमंत का, उसमें तो बड़गांई वाले में क्लियर कट है कि जो एक दिन जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और अगले दिन बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फट गया। जमीन की हेराफेरी में ईडी की एंट्री के बाद कई नेता और अधिकारी जेल जा चुके हैं, लेकिन साहब को बचाने के लिए अभी भी अंचल कार्यालय में दस्तावेजों की हेराफेरी हो रही है। ईडी को जो अभियोजन शिकायत के जरिए जो जानकारी कोर्ट में ईडी ने दी है, जिसमें कहा गया है कि बड़गांई अंचल के जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि बड़गांई अंचल से जुड़े एक जमीन के मामले में जब उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई तो वो कॉपी जो है फटे होने की जानकारी दी गई, लेकिन 2023 में वही कॉपी ईडी को उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से जाँच बड़गांई अंचल से जुड़े मामले की जा रही है और ऐसे में अब उसे जवाब दिया जा रहा है कि जो कॉपी है या तो नष्ट हो गई है या तो फिर फट गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो है ईडी अपने स्तर से भी जांच कर रही है और इस जांच के क्रम में कौन कौन से लोग और जद में आते हैं और किस तरह से ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके या फिर राज्य के किसी भी जिले की अगर हम बात करें, अंचल कार्यालय में बड़ा गड़बड़ झाला दिखाई देता है। अक्सर जमीन से जुड़े खेल में या तो पेपर नष्ट कर दिए जाते हैं या तो फिर फाड़ दिए जाते हैं। कैमरामैन मानस के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। और देखिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। अंचल कार्यालय पर कई तरह के सवाल खड़े हुए, कभी रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों की चोरी हो रही है, कभी कागजात फाड़ दिए जा रहे हैं और ऐसे में ईडी ने दावा किया है कि जो पहले कागजात उन्हें दिखाए गए, अब वही कागजात अगर मांगे जाए तो कहा जा रहा है कि वो पन्ना फट चुका है। तो ऐसे में कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ेगी और ये जांच का दायरा कहां तक आगे बढ़ रहा है इमरान? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों ईडी की रडार जो है बड़गांई अंचल कार्यालय में थी और बड़गांई अंचल से जुड़े कई विवाद जो है वो पिछले दिनों भी सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में 8.5 एकड़ जमीन जो कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ या जमीन था, इसी जमीन के मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। तो इस पूरे मामले को लेकर के ईडी जब कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर रहे थे जब इस पूरे मामले में, तो इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो ईडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कोर्ट को कि कहीं ना कहीं 2023 में वैसे पेपर जिनकी डिमांड जो है ईडी ने की थी, तो उस वक्त जो है ईडी के को जो है अंचल कार्यालय से उपलब्ध करा दिए गए थे। लेकिन जब यह पूरा मामला प्रकाश में आया, प्रकाश में आने के बाद इस पूरे मामले की जांच जब ईडी करने लगी और इसमें कई हाई प्रोफाइल पावर जो है जो में शामिल जो लोग सामने आने लगे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ईडी को फिर दोबारा जब इस पेपर की जरूरत पड़ी और सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड की गई तो बताया गया कि जो
पेपर अब उनको डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पेपर जो है वो फट गया है, फाड़ा गया है या गुम हो गया, तो इस तरह के जवाब जो है ईडी को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी के रडार पर अंचल कार्यालय के जो कर्मी है, अधिकारी है, वो तो मौजूद ही है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से ईडी जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की चीजें सामने आई है। जमीन से जुड़े जब भी मामले की जांच ईडी की तरफ से की जा रही है, लैंड स्कैम से जुड़े मामले की जांच की जा रही है, तो अक्सर उन तमाम दस्तावेजों को जब खंगालने के लिए ईडी दोबारा पहुंचती है तो उन तमाम चीजों के जो दस्तावेज है वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट में पिछले दिन जो पीसी दायर की गई थी, पीसी दाखिल किया गया था ईडी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ये बातें सामने आई है। अब ईडी के लिए एक तरफ चुनौती है कि इस पूरे केस को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ ईडी के रडार में अब वैसे कर्मी और वैसे अंचल अधिकारी हैं जिनके द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई, क्यों कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला बनता है वो जो जांच को प्रभावित करने या जांच को प्रभावित करने के लिए प्रयास का यह पूरा मामला प्रकाश में आता है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से क्या कुछ आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाती है। की चोरी हो रही है, कागजात गायब हो जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण कागजात है जिसमें हमने देखा है कि पहले कार्रवाई भी हुई है और कई सफेद पोश चला जो है सलाखों के पीछे भी हैं। तो ऐसे में ये मूल दस्तावेजों का गायब होना, फट जाना, चोरी होना और इन सबके बीच अंचल कार्यालय के कर्मियों पर भी एक संदिग्ध सवाल खड़ा होगा। ऐसे में इमरान, जमीन से जुड़े झारखंड में जब भी कोई विवाद सामने आता है तो उसमें अंचल कार्यालय से जो कर्मी है, पदाधिकारी है, उनके नाम अक्सर सामने आते हैं। कोई एक कोई अंचल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यह नहीं कि बड़गा या फिर दूसरे अंचल की बात कर रहे हैं, तमाम जगहों पर कमोबेश स्थिति ऐसे ही है। कुछ जगहों पर जब मामले जांच होते हैं तब पता चलता है, कुछ जगहों पर मामले प्रकाश में नहीं आते, कुछ मामले जो है वो दब जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीजें जो है वो जमीन के खेल में अक्सर देखने को मिलते रहा है और मिल रहा है। तो ऐसे में जब ईडी के मामले में इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े सातिर तरीके से कर्मी जो होते हैं वो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। अब ईडी जिस पेपर को डिमांड कर रहा है वो पेपर अगर अंचल कार्यालय में नहीं है, उसे जवाब दिया जाता है कि वो पेपर फट गया है या फाड़ दिया गया है या गायब हो गया है, तो यह कहीं ना कहीं साजिश की तरह इशारा करता है। आने वाले दिनों में ईडी का शिकंजा जो है इस तरफ भी जरूर बढ़ेगा और शिकंजे पर कई लोग आएंगे, इस जत पर कई लोग आएंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ईडी के जब जांच और भी आगे बढ़ेगी तो कई जद में आएंगे और उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इमरान, अब देखिए ये जांच का विषय है, ईडी ने अगर खुलासा किया है तो उन लोगों तक भी ईडी पहुंचेगी जो इस खेल को साकार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ ईडी की कार्रवाई में आज ये खुलासा हुआ और खुलासा के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप के भी दौर अब चलेंगे, इस पर कौन आरोपी है और कौन निर्दोष ये भी फैसला होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।